हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि सुनकर के आप लोग को बहुत दुखी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसमें जो है वीडियो तो अच्छा नहीं लगेगा, बताना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो भी आप लोग का ट्वेल्थ कम्प्लीट हुआ है, ट्वेल्थ कम्प्लीट होने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जारी किया, तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम लैपटॉप की जो बात करते हैं तो लैपटॉप योजना के तहत वो ट्वेल्थ में जो आप लोग को 75% से लैपटॉप देने के लिए उन्होंने बताया था, उसके बारे में कंप्लीट रूप से बताने वाला हूं क्योंकि ये अपडेट आ चुका है और अब फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन कौन छात्र फॉर्म भरेंगे ये नई जारी किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, नई एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें बहुत सारे चीजें जो बताई गई है और उसमें उन्होंने कहा भी है कि जो भी होगा तो कम्प्लीट रूप से हम आपको बता देंगे। तो वो जो लिस्ट है, लिस्ट में सबसे पहले ये कहा गया है, एक आप लोग को पेपर कट भी मैं दिखा दूंगा वीडियो में, लास्ट तक में देख लेना, विश्वास नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ वो रियल है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, शिक्षा विभाग ने घोषणा किया, उन्होंने कहा है कि ट्वेल्थ कंप्लीट जो कर चुके हैं उनको, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि मौखिक घोषणा किया, तो उन्होंने लिखित तो नहीं कहा था, तो मौखिक घोषणा उन्होंने किया था कि 75% वालों को लैपटॉप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो घोषणा है उसको नजरअंदाज करते हुए शिक्षा मंत्री का एक नया बयान आया है, और शिक्षा मंत्री ने कहा है और उन्होंने एक जो जारी किया है लेटर उसमें कहा है उन्होंने कि अब हम सभी उन छात्रों को देंगे लैपटॉप जो कि चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन लैपटॉप उसको तभी मिलेगा जब उसके 85% होंगे। कितने? 85, 80, 5, 85, अच्छे से सुन लेना, जिसके 85% होंगे, एक नंबर भी कम होगा तो नहीं मिलेगा, ध्यान रहे 85% प्लस वालों को ही मिलेगा। जो 70% उन्होंने 75% कहा था, 75% में लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा स्टूडेंट उसमें प्रॉफिट में थे, लेकिन अब हुआ क्या कि यदि 85% से कर देता है और उन्होंने जारी भी कर दिया कि 85% से ही हम देंगे, तो जो लैपटॉप है वो लगभग 50,000, एक आंकड़ा भी उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि 50,000 स्टूडेंट को हम लैपटॉप देंगे, और 50,000 स्टूडेंट जो है वो 85 प्लस वाले हैं, तो इससे ज्यादा उन्होंने बाकी कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी आंकड़ा जारी किया कि 2017 में हमने 85 में दिया था, उसके बाद जो है, और उन्होंने जो 85 में दिया था 2017 में उसमें ओबीसी को जो है और जनरल वालों को 85 प्लस लाना था और एसटी एससी वालों को 75 प्लस लाना था, लेकिन 2018 में उन्होंने 75 में दे दिया था। इसके बाद जो 19-20 में जो था उसमें तो कोरोना टाइम लगे, अच्छा 19 में जो है कमलनाथ जी का सरकार हो गया तो उन्होंने वो नहीं किया। इसके बाद जो 2020 था, 2020 में जो है उस टाइम पे भी 20 में कोरोना टाइम हो गया तो नहीं मिला लैपटॉप। इसके बाद 2021 में जनरल प्रमोशन हो गया तो लैपटॉप नहीं मिला, लेकिन 2022 का जो है वो अच्छे से पेपर हुआ है। लैपटॉप की जो बात है तो लैपटॉप अभी आप लोगों को 85% पर ही मिलेगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपने कहा था कि 75 में मिलेगा और अब आप कह रहे हैं कि 85 में मिलेगा, तो देखो मैं मुख्यमंत्री, जब सोचो शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी तो हमारी बात कहां से मानेगी। हमने तो जो भी अपडेट होता है वो बता देता हूं, अभी अपडेट आया है तो अभी बता रहा हूं 85% प्लस वालों को ही मिलेगा। इसकी फॉर्म कैसे भरना है वो भी चीजें हो जाएगी, तो मैं बता रहा हूं वीडियो में लास्ट तक देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फॉर्म वहां से आप लोग को भरना है, फिलअप करना है। एक चीज जान लेना कि जो फॉर्म है वो आप लोग के स्कूल से भरे जाएंगे, जो वहां के टीचर होंगे वो भर देंगे आपके, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर लीजिए सर फॉर्म कब भरना है, तो वो सब बता देंगे और फॉर्म वो खुद भरेंगे। यदि आपको खुद भरना है तो आप लोग भी भर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट अपने स्कूल से संपर्क करें तो सबसे अच्छा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए वीडियो था, वीडियो में थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन वीडियो अब मैं इसलिए बनाया हूं क्योंकि आप लोग इससे वंचित ना रहे, 85% वाले को ही मिलेगा। बाकी जो भी होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें बताया था, अब ये नई वीडियो है, इसको बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा सभी के पास जो चमक रहे हैं कि, और बाकी बहुत सारे लोगों को तो ऐसा होगा कि यार हमारे तो थे लेकिन 85 पूजे नहीं, 70 अपन के 78-80 थे तो मिलेंगे क्या, तो बिल्कुल उनको अब नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। मैं मानता हूं बहुत सारे छात्र होंगे दुखी होंगे, मुझे भी दुख लगा इस बात का कि
इतने दिन से अभी ये जो चल रहा था, तो ये सब है आशा देके और मतलब निराशा देना गलत बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जब बात, उन्होंने तो घोषणा किया था, हमने वीडियो भी दिखाया था कि उन्होंने अपने मुख से कहा था, ऐसे तो कुछ कहा नहीं था। लेकिन जो भी है, इसका पेपर कट भी मैं आप लोग को यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर मैं कमेंट्री में पोस्ट कर दूंगा या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी होगा, जो भी कोर्स से संबंधित है आपको, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डीएड, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, एम फार्मा, एमसीए, बीसीए, बीए, बीएससी, जो भी होगा कंप्लीट रूप से आप लोग कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम जा रही है कुछ कुछ में, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए। आज पूरा कमेंट में पढ़ के और सबका लाइव आके पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।